सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं खड़ा हूँ न्यूज़ 2024 VXI ऑप्शनल के सामने और आज मैं आपको इसके फुल वॉक अराउंड करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मारुति की कोई सी प्रोडक्ट देखनी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपॉइंट बुक करो, गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसकी प्राइस से। तो ये आपको पड़ेगी 6.49 लाख टू 9.65 लाख एक्स शोरूम। और ये मेरे सामने VXI ऑप्शनल खड़ी है जिसकी प्राइस है 7.57 लाख एक्स शोरूम। अब ये देख लो, इसमें आपको ऐसे ही चाबी मिलेगी, ये सुजुकी का लोगो, ये लॉक अनलॉक, ये आप लॉक करोगे तो ऐसे ये लॉक अनलॉक। चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ। ये आपको पूरी पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगी, ये सुजुकी का लोगो। और ये बॉनेट का डिज़ाइन पूरा चेंज हो गया है, पहले से भारी हो गई है बहुत। और आपको ये प्रोजेक्टर लाइट्स हैलोजन सेटअप में मिलेगी, यहाँ पर DRL नहीं मिलती बट ZXI और ZXI प्लस में मिलती है। आपको फॉग लाइट्स इसमें और ZXI में भी नहीं मिलता, सिर्फ ZXI प्लस में फॉग लाइट्स आती हैं। और ये कुछ प्लास्टिक के एलिमेंट्स, और ये ना थोड़ी सी पुरानी स्विफ्ट की भी याद दिलाएगी आपको। अब चलते हैं इसके साइड लुक पे। ये देखो भाई, कितनी छोटी सी प्यारी सी लग रही है। और इसमें एक चीज़ नहीं आई है, ये इसका इंजन चेंज हो गया। इसका आपको बोनेट खोल के दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, उस साइड भी एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, इससे आप खोल सकते हो। चलते हैं बोनेट की तरफ। यहाँ से आप इसकी बोनेट को खोल सकते हो। ये कुछ इंसुलेशन यहाँ पे मिलती है और ये रबड़ का कुछ स्ट्रैप ये मिलेगा। इसका इंजन जेट सीरीज़ का इंजन, नया वाला इंजन आ गया है, ये आप देख लो कुछ ऐसा रहेगा। ये 1.2 लीटर का Z सीरीज़ का पेट्रोल इंजन मिलता है। ये 3 सिलेंडर इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 82 PS की पावर, 112 Nm का टॉर्क। पहले वाले में आपको 4 सिलेंडर मिलता था बट अब 3 सिलेंडर मिल रहा है। इसको बंद, चलते हैं इसके रियर लुक की तरफ। ये देख लो कुछ ऐसे इसके रियर लुक रहेगी। ये देखो इसकी लाइट्स भी चेंज हो गई हैं। इसकी लाइट पहले हैलोजन में आती थी, अब LED हो गई है। आपको करोल बाग जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी खुद दे रही है। ये आपको यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं उसमें, और नंबर प्लेट लाइट यहाँ पर मिलेगी आपको नीचे। यहाँ पे इसका नॉर्मल वाला वही एंटीना, ये हाई माउंटेन स्टॉप लैंप। यहाँ से आप इस, ये सुजुकी का लोगो, ये स्विफ्ट की बैजिंग, यहाँ से आप खोल सकते हो बूट को। ओके, 265 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पे इसका स्पेयर टायर है, ये इसका साइज 165/80 R14 है। 14 इंच के टायर आपको मिलेंगे, बाहर में भी यही मिलते हैं। टॉप मॉडल में आपको 15 इंचेस के मिलेंगे। यहाँ पे कुछ स्टोरेज की स्पेस, ये हुक, ये कुछ स्पेस, और यहाँ पे भी कुछ जैक का वगैरह वगैरह रखने वाला। तो ये पार्शल ट्रे आपको मिलेगा, यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो। डीफॉगर मिलेगा आपको यहाँ पे, वाइपर और वॉशर नहीं मिलेगा, वो टॉप मॉडल में बस मिलता है। करते हैं इसको बंद। अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूं तो आपको इसमें 24.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। अब चलते हैं इसके रियर सीट्स की तरफ। ये कुछ इसकी ऐसी लुक रहेगी, यहाँ पे आपको हल्की सी सॉफ्ट टच मिलेगी। ये पावर विंडो, ये इसके लॉक्स, ये इसका चाइल्ड लॉक, और यहाँ पे आपको फैब्रिक की सीट्स मिलेंगी। पीछे की साइड AC वेंट्स नहीं मिलेंगी, वो आपको ZXI और ZXI प्लस में मिलेगी। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, फिक्स्ड है, 2 हेडरेस्ट मिलेंगे। अब चलते हैं अंदर। ये इसकी लेग स्पेस भी सही है, ये ग्रैब हैंडल्स। यहाँ पे आप सिर्फ 0.5 लीटर की बॉटल रख सकते हो, 1 लीटर की बहुत मुश्किल से आएगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आपको इसके चारों पावर विंडो कंट्रोल्स, ये ऑटो अप डाउन मिलेगा, ये विंडो के लॉक अनलॉक का, यहाँ से आप लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। ये आपको ORVM के कंट्रोल्स, ये लॉक अनलॉक, और यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन VXI ऑप्शनल में, ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑटोमेटिक, हेडलैम्प लेवलर, ये कुछ AC का रहेगा, ये लाइट्स की,
और ये कुछ ऐसी, यहाँ से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट नहीं मिलता, यहाँ से आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो। मैनुअल है तो तीन क्लच ब्रेक पैडल। अब चलते हैं अंदर की तरफ। कुछ ऐसी आपको स्टीयरिंग मिलती है, ये कॉल्स के और ये वॉल्यूम वगैरह के। ये 7 इंचेस का आपको स्क्रीन मिलता है, ये मैट फिनिश में आएगा। और ये हजार्ड लाइट स्विच, ये एसी के सारे कंट्रोल्स, ये फ्रंट डीफॉगर, रियर डीफॉगर। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, ये यूएसबी का सॉकेट। और यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिलेगी, ये 2 कप होल्डर्स। ये मैनुअल है तो 5 गियर, और ये एक रिवर्स, ये हैंड ब्रेक लीवर। यहाँ पे कुछ स्टोरेज की स्पेस, और यहाँ पे ये पूरा टेक्सचर, ये आपको लगेगा कि फैब्रिक है, बढ़िया पूरी प्लास्टिक की है ये पूरी। और यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स, डिसेंट स्पेस है इसमें। उधर आपको स्पीकर मिलेंगे, स्टोरेज स्पेस कुछ, और इधर भी आपको मिलेगा स्टोरेज स्पेस। और ये इसका, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा, ये मैनुअली एडजस्टेबल ऑटो डिमिंग एयरवे। यहाँ पे आप इसके लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, ये माइक वगैरह के। और ये आपको यहाँ पे एक मिरर मिलता है, यहाँ पे देखिए तो इसके यहीं। मैं आपको इसके स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये स्टीयरिंग आपका अनलॉक हो गया, यहाँ से एसी के आप फैन को कंट्रोल कर सकते हो, ये टेम्परेचर। और ये इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको नॉर्मली मिलेगी। और ये आपको रिफाइंड करते रहेगा, ये आपको इसके नए वाला लुक मिलता है। तो ऐसी कुछ है का फ्रंट लुक, और भी स्पोर्टी लगता है। और ZXi प्लस तो भाई और भी मस्त दिखती है अलॉयज के साथ। अगर मैं इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो आपको इसमें 6 एयरबैग्स आपको बेस मॉडल से ही मिलते हैं, और ABS विथ EBD, और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो डिटेलर अनुराग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।